गाइस, ये है फ्लिप द बॉटल चैलेंज, जहां पर एक तरफ है ओरैंगुटेन के आरू और दूसरी तरफ है टीम रेकनिंग के डायनेसिस, और देखना ये है कि आखिर जीत होगी किसकी। एक तरफ आरू है जो कभी ऑफिशियल टूर्नामेंट में क्वालिफाई करके जाते नहीं थे, जिनकी टीम फाइनल इस बार हुई है और एक बार फिर से खराब प्रदर्शन। बट अब बारी है डायनेसिस की, जो थोड़े नए हैं जरूर, लेकिन खराब प्रदर्शन जिसकी उम्मीद थी उनसे वही वो करते हुए। आरू कोशिश अच्छी थी, लेकिन बस अच्छी कोशिश ही वो कर पाए। डायनेसिस एक बार फिर से निराश किया, हंटर्स की आवश्यकता उनको रहने वाली है, लेकिन एक ओपी की कमी साफ साफ देखने को मिलती है आरू की टीम में। वही डायनेसिस एक बार फिर से आपने निराश किया है, बोतल निराश। और यहाँ पर देखिए, नाश ना आवे आंगन टेढ़ा, जो यहाँ पे आरू करते हुए नजर आ रहे हैं, बोतल के अंदर वो कमी निकाल रहे हैं। हमेशा सपोर्ट रहेगा आपको, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, ऑलवेज विद यू, गॉड लाइक बैड टाइम्स यू प्रूव मनी इज एंड एवरीथिंग। भाई मैंने पहले भी बोला था, भाई मैं तो गॉड लाइक में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो एंड तक। हम तो है ही यार, अभी लोग हेट देते हैं, वो नए लोग आते हैं, नया फैन बेस आता है, वो सब उनको पता नहीं है ना भाई मैं कब से हूँ क्या है, तो वो सब छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं ये सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ। भाई जॉनी कहाँ है भाई, वो सब तो उधर है ना कोची में, है ना ऑनलाइन। जॉनी खेल रहा है क्या, ये पूछते हैं, खेलेगा तो गॉड लाइक विन होगा क्या ब्रदर, चांसेस है इस बार, कंपटीशन है ना लैन में, मोस्टली अंडरडॉग्स, अंडरडॉग्स को चांस रहेगा, कोई नया टीम चैंपियन बन सकता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कोई नया टीम चैंपियन बन सकता है इस बार? टीएक्स, यस ऑफ कोर्स, टीएक्स सबसे ज्यादा चांसेस है फिर वापस ट्रॉफी उठाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अदर स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक VXT, गॉडबॉट वर्सेस अमित लफड़ा, ये कौन सा है नहीं पता मुझे। बाबू का ब्रॉडकास्ट देख लड़ाई हुई लैन पे, होपफुली, क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या, उस टीम को पे किसने, किसको किसने पे लिया लैन में, लड़ाई में मार होगी लैन में, गॉडबॉट को पेल किसने पे, फिर से चश्मा पहन के आएगा वो, I have no idea bro, क्या चल रहा है।